तो दोस्तों हमारे पास ये जीके का मोटर है और आप देख सकते हैं जीके कंपनी का मोटर यहाँ पर लोगों हैं। तो इसे हम आज खोल कर देखने वाले हैं कि आखिर इस मोटर के अंदर ऐसा क्या क्या है। तो इसको हम खोलेंगे और इसके बारे में अंदर जो पूरी वायरिंग और जो वाइंडिंग रहती है, जो सेंसर रहते हैं उसके बारे में, और मोटर की जो टेक्नोलॉजी रहती है उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले इसे खोलने के लिए हम लोग इसकी शाफ्टिंग को, ये जो लॉकिंग नट लगाया हुआ है वो हम लोग अभी खोल रहे हैं। अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो नहीं खोलेंगे पहले, लेकिन ये जो स्क्रूज़ हैं यहाँ पर वो सबसे पहले, इसका जो कवर है वो खोलना बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले वो खोलेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कवर ओपन हो गया है अभी, ये इसका जो आप देख सकते हैं क्लोजअप लुक, तो ये इसका पूरा अंदर से वाइंडिंग है जो कि हमारा BLDC मोटर का वाइंडिंग कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल जहाँ पर ये मैन्युफैक्चरर होती है उस कंपनी का लोगो होगा अंदर की तरफ, तो वो है। ये सर्किट के बारे में जो डिटेल्स है वो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैग्नेट्स हैं उसकी पोजीशंस आप देख सकते हैं। यहाँ पर पिंक कलर का जो मार्किंग किया गया है मैग्नेट्स पर, वो इसलिए किया गया है ताकि उनकी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो पता चले। हमें अगर इसको ये बाहर निकालना होगा तो ये लॉकिंग नट जो है उसको खोलना पड़ेगा। तो इस तरफ से ये लॉक नट खोलेंगे। तो ये मोटर जो है वो उसका जो कवर है उसमें से अलग हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसमें बाकी मोटर्स से अलग क्या है जो मैंने देखा वो ये है कि ये पूरा एक सिंगल यूनिट में बना हुआ है। बाकी मोटर्स में क्या रहता है कि दो तरफ कवर होते हैं और इतना पार्ट जो है वो अलग रहता है। इसमें एक चीज़ काफ़ी अच्छी है कि ये मोटर का जो ये पूरा पार्ट है, इतना पूरा जो ये कास्टिंग है, मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम मटेरियल है, उसको अंदर से थोड़ा फाइन फिनिश किया गया है, उसके ऊपर मशीनिंग किया गया है और यहाँ पर ब्लैक कलर किया गया है। ये डिस्क ब्रेक लगाने के लिए जो 6 स्क्रू हैं वो दिए गए हैं। तो ये पूरा एल्यूमिनियम का कास्टिंग कवर है और ये उसके जो बाहर जो आती है गियर्स, प्लेनेटरी गियर्स की असेंबली वो है। तो इसको हम लोग अभी निकालेंगे। सबसे पहले तो ये जो रिंग है आप देख सकते हैं उसको निकाला हमने। उसके बाद ये प्लेनेटरी गियर्स का पूरा सेट है, उसको हम लोग खींच के निकालेंगे या फिर पछाड़ेंगे इसको। देखिए इसमें से यहाँ पर एक की वे है जो कि आप देख सकते हैं कि की वे है यहाँ पर। तो इस की वे में ये की लगाई हुई आती है और शाफ्टिंग के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर की वे बनाया हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। तो ये शाफ्टिंग में से की वे के ज़रिए यहाँ पर की से इसको प्लेनेटरी गियर्स को फिट किया गया था। अभी देखिए क्या होता है कि ये शाफ्टिंग के साथ की वे से इसको टाइट कर दिया गया। अभी हमारी शाफ्ट जो है वो हमने साइकिल पे यहाँ पकड़ ली, ठीक है, और ये की के साथ इसको कनेक्टेड किया गया है। तो ये जो पूरा पोर्शन है उसमें से ये अभी फुल घूम रहा है, वो पूरा नहीं घूमेगा। क्या होगा, ये भाग फिक्स रहेगा और अंदर की जो असेंबली है वो घूमेगी। सिर्फ अंदर की असेंबली मतलब कि ये जो शाफ्टिंग है वो फ्री रहेगी और ये जो ऊपर की असेंबली है वो घूमेगी। अब ये ऊपर की असेंबली घूमेगी तो क्या होगा कि ये व्हील्स को घुमाएगी और ये व्हील्स जो है वो हमारे इन गियर्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो ये क्या करेगा कि बाहर के जो हब है, मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी इसको हमने पकड़ लिया पीछे वाली प्लेट को, तो क्या होगा कि जैसे ही व्हील घूमेंगे, ठीक है, वो व्हील हमारे फिक्स जगह पे घूमेंगे, मतलब कि व्हील जो है वो फिक्स रहेंगे और व्हील वो हब है उसको घुमाएंगे, तो जो हब है बाहर का वो ऐसे घूमेगा, जिसकी वजह से हमारी जो पूरी मोटर है जिसके हमने स्पॉक से पूरा रिंग फिट किया हुआ है वो घूमेगी। और अब ये बाहर का जो पार्ट है ये हमारा रोटर हो गया, लेकिन जो वाइंडिंग है वो एक्सेल के साथ, मतलब कि ये जो बाहर अंदर की जो शाफ्टिंग है वो फिक्स हो गई क्योंकि हमने साइकिल के ऊपर इसको फिक्स लगा दिया है, नट बोल्ट करके टाइट कर लिया गया। तो ये एक तरीके से सीलिंग फैन जैसा सिस्टम हो गया कि जिसमें
वाइंडिंग अंदर की जो है वो फिक्स रहती है, और आउटर मतलब कि जो आउटर केसिंग बॉडी होता है, जो वाइंडिंग फिक्स रहेगी और आउटर केस जो है वो घूमेगा, मतलब कि आउटर है वो रोटर हो जाएगा, वाइंडिंग जो है वो स्टेटर हो जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि ये लॉकिंग रिंग लगाई हुई है, इसको सरक्लिप कहते हैं, तो सरक्लिप लगाया हुआ है, उसे हमको पहले तो यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो ये हमने इसका सरक्लिप जो है उसको रिमूव कर दिया है, यहाँ से सरक्लिप को निकाल के बाहर फेंक दिया हमने। और एक है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि लॉक करती है इसको, वो भी निकाल देते हैं। ये शाफ्टिंग को लॉक करने के लिए रखा गया था, तो हमने जो एक ये सर्किट, ये दोनों लॉक्स जो थे वो निकाल दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन स्क्रू हैं, जिससे ये अंदर की जो पूरी बेयरिंग सिस्टम होगी वो और ये रोटर है वो दोनों कनेक्टेड हैं, तो उसको हम लोग खोलेंगे। तो देखिए ये जो रोटर था वो अभी हम लोगों ने निकाल दिया है, आप देख सकते हैं रोटर जिस पे ये सारे मैग्नेट्स लगे हुए हैं, ये पूरी रोटर असेंबली है जिसको हम लोगों ने निकाला है, और ये जो वाइंडिंग है वो है जिसको हम लोग स्टेटर कह सकते हैं, क्योंकि वाइंडिंग यहाँ पर स्टेट रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मार्किंग्स किए गए हैं, वो वाइंडिंग जो टेक्नोलॉजी होती है उसके हिसाब से मार्किंग्स हैं। आप देख सकते हैं कि वायर कैसे अंदर आई है, तो वायर जो है यहाँ से शाफ्टिंग के अंदर होलो पूरा ये शाफ्ट है वहाँ से अंदर आई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वायर का पार्ट जो है वो बाहर निकला हुआ है। उसमें से तीन वायर वाइंडिंग में चले गए जो कि येलो, ब्लू और ग्रीन थे, जो कि फेज वायर कहते हैं हम लोग जिसको, और पांच वायर जो है वो यहाँ पर ए बी सी, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और एक छठा वायर है जिसको वाइट कलर का वायर यहाँ पर लगा हुआ है, वो स्पीड आउटपुट का वायर है जिससे हमको स्पीड पता चलती है। तो यहाँ पर एक आप देख सकते हैं कि ये एक सेंसर है, और उस सेंसर के आगे ये एक जो अपना कवर निकाला था हमने सबसे पहले, यहाँ पर एक मैग्नेट घूमता रहता है, ये मैग्नेट जो है वो जैसे जैसे यहाँ इसके आगे से ये घूमेगा तो ये सेंसर में से हमको इसके रोटेशन की आउटपुट डिटेल्स मिलेगी, जो हमें ये बताती हैं कि ये मोटर के आरपीएम कितने हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जिसमें भी स्पीडोमीटर आता है उसमें ये लगाया हुआ रहता है, जो सिस्टम जो मोटर में स्पीडोमीटर का वायर नहीं होगा, ये वाइट कलर का जो एक्स्ट्रा वायर है यहाँ पर काटा हुआ है आप देख सकते हैं, क्योंकि इसकी किट के अंदर सिर्फ डिजिटल डिस्प्ले वाला थ्रोटल आता है, स्पीडोमीटर नहीं आता है, तो इसके लिए ये काटा हुआ है। अगर लेकिन अंदर वायरिंग किया हुआ है तो उसका मतलब ये है कि अगर इसके साथ आपको डिस्प्ले कनेक्ट करना है तो ये येलो कलर वाइट कलर का वायर है उससे आप ये कनेक्ट कर सकते हैं। तो कौन कौन से वायर थे आपको बता देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो है यहाँ पर वो रेड एंड ब्लैक, वो हॉल सेंसर को सप्लाई देने के लिए है। ए बी सी जो है वो हॉल सेंसर के, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दो और तीन हॉल सेंसर दिए गए हैं, वही तीन हॉल सेंसर्स जो हैं वो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल मतलब निभाते हैं, जिसकी वजह से हमको पूरा मोटर का जो फीडबैक सिस्टम है वो कंट्रोलर को पता चलता है, उसकी वजह से किस वाइंडिंग को किस फेज को या किस तीन जो टर्मिनल्स है उसमें से कहाँ पर पावर डालना है वो पता चलता है। तो ये पूरी जीके मोटर की हम लोगों ने मतलब मोटर को स्ट्रिप किया है और स्ट्रिप टेस्ट किया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी आप देख सकते हैं, कॉपर वाइंडिंग है इसके अंदर। तो ये भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि मोटर में वाइंडिंग कौन सी है,
तो ये कॉपर वाइंडिंग है, कॉपर की क्वालिटी हम लोग नहीं बता सकते हैं कि कौन सी आती है या कौन सी गेज का या किस क्वालिटी का वायर होगा, लेकिन वाइंडिंग जो है वो कॉपर दिख रही है। मोटर का जो पूरा डिज़ाइन है, मोटर की जो पूरी अंदर से टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं, उसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो भी देख के यही लगता है कि इसमें कुछ अच्छी क्वालिटी के और अच्छी कंपनी के स्पेयर पार्ट्स हैं। तो ये आपको हो गया बेसिक नॉलेज। अभी हम लोग इसको भी खोलते हैं। ये जो ऊपर लगाई हुई है, क्या कहते हैं इसके, जो हॉल सेंसर की प्लेट लगाई हुई है, इसको भी हॉल सेंसर चेंज करना है तो उसको निकालने का आसान तरीका ये है कि आप धीरे से इसके नीचे से इसको थोड़ा सा पुश करें। इसको किसी, जैसे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, ऐसी कोई नुकीली चीज़ से ना करें, क्योंकि मुझे तो मतलब अभी ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन आप इसको धीरे से नीचे से कुछ स्क्रू ड्राइवर से ऐसे पुश करें ताकि ये टूटे नहीं। तो ये हॉल सेंसर का जो प्लेट है वो यहाँ से रिमूव हो गया। आप देख सकते हैं कि जो केबल्स के वायर आ रहे हैं वो डायरेक्टली इसमें जा रहे हैं सर्किट में। सर्किट में और कुछ नहीं है, सिर्फ ये तीन हॉल सेंसर को सप्लाई देने के लिए, पॉजिटिव, नेगेटिव और ABC तीनों को सप्लाई देने के लिए ये मतलब सर्किट बनाया गया है, जिसमें एक पॉजिटिव नेगेटिव सब में कॉमन जा रहा है और ABC जो है वो A, B और C तीनों में जा रहा है। A का ये यहाँ पर आप देख सकते हैं A लिखा हुआ, यहाँ पर B, यहाँ पर C और ये SP है जो यहाँ पर आ रहा है। SP का मतलब स्पेशल नहीं, मेरे ख्याल से स्पीड होता है, तो ये स्पीड के लिए है SP मतलब। और ये तीनों फेज के जो आप देख सकते हैं टर्मिनल्स हैं, तो ग्रीन जो है वो यहाँ पर, ग्रीन वायर यहाँ पर जा रहा है और ब्लू यहाँ पर और येल्लो यहाँ पर जा रहा है, और अलग अलग तीनों वाइंडिंग्स हैं। तो अगर किसी को मोटर का रीवाइंडिंग करवाना है तो इसको एक बार ओपन करने के बाद आपको पता चलेगा कि रीवाइंडिंग कैसे हो सकता है इसका। तो खोलने के बाद पता चल सकता है। और सभी मोटर्स और सभी मैन्युफैक्चरर्स की अलग अलग सिस्टम रहती है RPM वाइज, मोटर के वॉट रेटिंग वाइज, तो सब में ये सिस्टम कॉमन नहीं हो सकती है। किसी में वायर का गेज अलग हो सकता है, किसी में नंबर ऑफ टर्न्स अलग हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि किसने किस मेथड से और किस टेक्नोलॉजी से काम किया है। तो हमने ये पूरा ओपन करके आपको दिखा दिया ताकि आपको पता चले। अभी हॉल सेंसर के अंदर क्या आता है वो भी देखते हैं। तो चलिए नज़दीक से मैं आपको हॉल सेंसर दिखा देता हूँ। प्लेट जैसा दिख रहा है, मेरे ख्याल से इसमें कोई मैग्नेटिक एलिमेंट रहता होगा जो मैग्नेट उसके पास आने पर रिएक्ट करता है, क्योंकि हॉल सेंसर का काम ये है कि इसको कंट्रोलर को ये फीडबैक देना कि मैग्नेटाइजेशन कितना है। यही सेम चीज़ हमारे थ्रोटल में भी यूज़ होती है। तो मैग्नेट की जो ऊपर एक छोटी सी मतलब पार्ट रहता है, छोटी सी स्ट्रिप रहती है मैग्नेट की थ्रोटल के ऊपर, एक सेंसर रहता है थ्रोटल के अंदर, वो ये आउटपुट देता है कि मैग्नेटाइजेशन कितना है, मतलब कि मैग्नेट की इंटेंसिटी कितनी है, उसके हिसाब से वो थ्रोटल का जो 0 से 5 वोल्ट का आउटपुट है वो निकालता है। तो ये हो गई बेसिक डिटेल्स। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, इसमें जो ABC और पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ है, तो ये C है, ये देख सकते हैं B है और ये है। तो ABC तीन जो वायर हैं उसमें इस सर्किट से, तीन सेंसर है उसमें इस सर्किट से पावर दिया गया है। SP जो है ये आप देख सकते हैं स्पीड का, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि जो इस कवर के ऊपर एक मैग्नेट है, आप देख सकते हैं ये सर्किट जो है इसके ऊपर चिपक गई है, उसका मतलब कि ये मैग्नेट जो है
वो एसपी के ऊपर से रोटेट होता है। एग्जैक्टली वो उस जगह पे हैं जहाँ से ये एसपी लिखा हुआ है। जब ये मोटर के ऊपर ऐसे था तो ये जो है वो उसके ऊपर से रोटेट होता है एग्जैक्टली उसी जगह पे, ताकि इस एसपी से हमको ये पता चल सके कि मोटर की स्पीड क्या है। तो हमारी जब मोटर ऐसे घूमेगी तो हमको इस एसपी के हिसाब से ये मैग्नेट का आउटपुट जो है वो पता चलेगा। मतलब मैग्नेट की वजह से एसपी जो है हमको फीडबैक देगा कि मोटर के आरपीएम क्या है, और वो आरपीएम को डिजिटल डिस्प्ले जो है वो हमको स्पीड के तौर पर दिखाएगा। वो आपकी व्हील साइज़ के हिसाब से स्पीड डिसाइड करता है, तो उस हिसाब से हमको दिखाएगा। तो ये थी हमारी पूरी स्ट्रिपिंग ऑफ जीके हब मोटर। तो हमने जीके मोटर को स्ट्रिप करके आपको दिखा दिया है। इसके अंदर के कंपोनेंट्स को मैं एक बार फिर से यहाँ पर रख के आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं। तो ये मेन पार्ट्स है उसके कुछ, इसको किस तरह से लगाया हुआ था और इसको मतलब फिटिंग कैसे किया गया था वो मैं बता देता हूँ। ये जो है चीज़ वो यहाँ पर थी ऐसे, ठीक है। ये जो है वो हब का एक मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है, मैकेनिकल पार्ट है पूरा। इसी के अंदर जो है मैग्नेट्स पूरे घूमते हैं, और ये आउटर बॉडी है। और इसी के बाहर इसके और ये जो अपना आउटर स्टेटर है, और इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है। तो ये है जो बाहर बॉडी घूमती है हमारी, वो है। और जिससे हमारे आरपीएम रिड्यूस होते हैं वो प्लैनेटरी गियर्स हैं। और मेन जो इसका हार्ट है वो ये है, ये वाइंडिंग, जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम काम करता है। और इस वाइंडिंग को फीडबैक सिस्टम से ऑपरेट किया जाता है, बीएलडीसी कंट्रोलर से। तो ये बीएलडीसी कंट्रोलर को जो डेटा भेजता है वो हॉल सेंसर असेंबली का सर्किट है। और ये हमारे हॉल सेंसर्स हैं, 1, 2, 3, जिनको मैंने अभी ख़राब कर दिया है। तो लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा, आप इसकी पूरी असेंबली जो है उसको ठीक से खोलकर अगर इसका रिपेयरिंग करना है तो कर सकते हैं। तो बेसिक कंपोनेंट्स थे ये इसके। इसको अगर वापस लगाना है तो भी आप आराम से अभी फिट कर सकते हैं। कोई छोटा मोटा इशू है, वायर कट हो गया है, तो भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये इशू आता है कि वायर यहाँ से कट हो जाता है, उनको क्या करना है, बहुत कुछ काम नहीं है। वायर अगर आपका यहाँ से कट हो जाता है तो आपको क्या करना है, यहाँ से वायर को काट दीजिए। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा ग्लू लगाया हुआ जैसा है, सिलिकॉन है मेरे ख्याल से। तो आराम से ये पूरा मोटर असेंबली खोल के इसको थोड़ा सा हॉट, जो गन आती है स्लीव को, हिट्स श्रिंकेबल स्लीव जो आती है उसको गर्म करने के लिए, जो एयर गन आती है उससे आप इसको थोड़ा सा गर्म करके इस वायर को खींच दीजिए अंदर से। फिर जो आपने यहाँ से काटा था उस वायर को धक्का लगा कर अंदर डाल दीजिए, और बाहर निकाल कर ये वायर जो है उसको डीसोल्डर करके वापस से इसी जगह पर जहाँ से आप जो वायर खोलते हैं उसी जगह पे वो सारे वायर्स लगा दीजिए, ताकि आपका पूरा जो असेंबली है उसमें से ये आपका मतलब आपको ये कुछ भी पार्ट जो है वो ख़राब ना हो, और आपका इसको फेंकना भी ना पड़े, और ये रिपेयर भी हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग उसको रिपेयर करने का मना कर देंगे आपको कि ये रिपेयर नहीं होता है यहाँ पर, लेकिन आप अपने हिसाब से अभी कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसको ओपन करने की और कैसे काम करता है उसकी जानकारी अभी हो गई है। तो ये हमारा पूरा पार्ट था आज का वीडियो का, जिसमें आपको असेंबली और इसका डिसअसेंबली दोनों का पता चल गया। तो ये हैं हमारी बेसिक चीज़ें जिसके ऊपर आज के टॉपिक पे हमने बात की है। और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही मज़ेदार जानकारी मिलती रहे। और अगर आपके दिमाग में कोई कमेंट्स हैं, अगर हम कहीं पर कुछ गलत चीज़ें कह रहे हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, और हमें आपके पास जो भी ज्ञान है उसे
थोड़ा सा हमको भी दीजिए ताकि हम बहुत सारे लोगों को इसको शेयर कर सकें। और ये नई चीज़ें हैं तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। सीधी सी बात है कि हमको भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पूरा इंडिया के बाहर से ही होके आता है। तो आपको अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो कमेंट्स में शेयर कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द लास्ट। थैंक यू सो मच।